यार क्लासरूम का कहीं उतारूंगा तो मेरा 3 महीना लग जाएगा उसे उतारने में ही साला। बेटा वो एक तीन बात महीने के सुनो, लिए ऐसा लग रहा है वो, इधर सुन बस लो। फिजिक्स और मैथ का बनाए और किसी का नहीं। मैं तो फिजिक्स के अलावा किसी का नहीं बनाया है। आई थिंक सर दीपेश, आ गए, सर आ गए, सर आ गए, सर आ गए, दीपेश, सर आ गए। क्लास में इस तरह से बातचीत करना सही बात नहीं है। आप लोगों को सॉरी इतनी सर, सॉरी सर, सेंसिटिविटी नहीं सॉरी सर, है। सॉरी सर, व्हाट द हेल, सॉरी, इतना मैनर्स नहीं है बेटा। कहां पे क्या होना चाहिए। आप फर्स्ट ईयर में पहुंच गए हो, इंटर के बच्चे नहीं रह गए हो। कनेक्शन आपके भी कटते हैं, आपको भी दूसरी बार एंट्री नहीं देना चाहिए। क्या चाहते हैं आप लोग। और ये मत सोचिएगा कि जो है कनेक्शन ऑफ होने के बाद रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है। आप लोगों ने जितनी बातचीत की होगी वो सारी जो है क्लाउड पे है। अभी निकाल के देखना शुरू करूं उसको। अब क्यों नहीं आपके जवाब निकल रहा है मुंह से दीपेश। क्या तरीका है, नो सर, सॉरी सर, मतलब इतना नहीं समझ में आता आप लोगों को चाहिए। आपकी रिसोर्सेस भी कम हो सकती हैं कभी कभी। एक बार अगर एग्जिट हो गए फिर एंट्री दूंगा नहीं दोबारा, कभी किसी को नहीं दूंगा यहाँ पे। उस समय तो आप सब लोगों को बहुत जो है नोट्स नोट्स की जरूरत थी। अब नोट्स मिल गए, पढ़ा ना वो नोट्स, पूछना शुरू करूं नोट्स के बारे में। बेटा पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम लोग जो है अपने में ही लगे हो। मैथ पढ़ना है तो मैथ में जाके पढ़ो, चुप पे जाओ, यहाँ से हटा एग्जिट कर दे रहा हूँ। जितने लोगों को नहीं पढ़ना है वो यहाँ से एग्जिट कर जाएं, चैट में अटेंडेंस वाले एग्जिट कर जाएं। मैं सबको जो अटेंडेंस दे दूंगा, अटेंडेंस मेरे घर से नहीं आ रही है। लेकिन क्विज में फिर देखना अपने आप। जॉर्ज बुली का नाम आपने सुना है, जिन्होंने बूलियन अलजेब्रा को डेवलप किया था। जी नहीं सर, बता तो रहा हूँ, जॉर्ज बुली आपके एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने 19वीं सेंचुरी में बूलियन अलजेब्रा, जिसको बाइनरी लॉजिक पूरी पूरी होती, जिस पर पूरा पूरा कंप्यूटर आपका जो है कि अरिथमेटिक डिपेंडेंट होती है। अगर यस सर, जॉर्ज बुली साहब नहीं होते तो आज हम लोग कंप्यूटर पे इस तरह बात नहीं कर रहे होते। कंप्यूटर क्या समझता है, ऑन और ऑफ ऑफ द करंट, इसके अलावा वो कुछ नहीं समझता है। इस लॉजिक को डेवलप करने वाले आपके सबसे पहले जॉर्ज बुली थे। इन्होंने बाइनरी अलजेब्रा किया जो रिप्रेजेंट करता था लॉ ऑफ थॉट्स। चार्ल्स बैबेज का नाम आपने सुना होगा, दैट इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। और एडा ब्रांड, जिनको कहा जाता था एडी लव लेडी एडा लवलेस, इन्होंने सबसे पहले प्रोग्रामेबल मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया था जो मैं कैलकुलेशन को परफॉर्म करता था। 19वीं सेंचुरी के बीच सर में कौन बनाया था सर, एक बार फिर से क्या रिपीट कर सकते हैं। फादर ऑफ कंप्यूटर आपको नहीं मालूम कौन है। नहीं नहीं सर, वो कैलकुलेटर कैलकुलेटर का जो बता रहे थे। हाँ कैलकुलेटर का ही बता रहा हूँ। चार्ल्स बेबेज का नाम नहीं सुना है आपने। और पहली प्रोग्रामर कौन थी, चार्ल्स बेबेज का तो सुना है सर। पहली प्रोग्रामर कौन था।
लेडी एडा लवलेस, जिन्हें एडा ब्रांड के नाम से, लेडी एडा लवलेस जिनको एडा ब्रांड के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने सबसे पहले प्रोग्रामेबल मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन का डेवलपमेंट किया था। अब मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन का मतलब क्या हुआ, जिसमें पुली या आपके मूवेबल पार्ट्स से, हमारे कंप्यूटर के अंदर कोई मूवेबल पार्ट्स नहीं है सिवाय हार्ड डिस्क के अंदर या इसके अंदर, बाकी सब जगह लॉजिक सर्किट यूज होता है। इतना तो क्लियर है ना सबको? यस सर। भाई हमारी जो कंप्यूटर है इसको हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं, इसको हम मैकेनिकल डिवाइस नहीं कहते। मैकेनिकल का मतलब क्या होता है, मूवमेंट ऑफ पार्ट्स, जिसके अंदर आपके पार्ट्स मूव करते हैं, ठीक है। इसके अलावा लेट 19th सेंचुरी या 20th सेंचुरी में कई मैथमेटिकल फिलोसोफर थे जिन्होंने जॉर्ज बुली के इनिशियल लॉजिक कॉन्सेप्ट को, जो जॉर्ज बुली ने इनिशियल लॉजिक कॉन्सेप्ट दिए थे, उनका इस्तेमाल करके किसी भी लॉजिक को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा मैथमेटिकली। लॉजिक का मतलब क्या होता है, जहां पर हम डिसीजन बेस काम करते हैं, जहां पे हमें डिसीजन लेना होता है, हम कहते हैं ना कि कोई लॉजिकली बात करो, तो इस तरह की लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन करना शुरू किया, जिसमें कुछ नाम है आपके गॉटलॉब फ्रेज, बेटरम, रसल, एल्फर्ड नॉर्थ, कर्ट गॉडेल। तो इन ये तमाम सारे मैथमेटिकल फिलोसोफर थे जिन्होंने जॉर्ज बुली के इनिशियल लॉजिक को, इनिशियल लॉजिक क्या था, जो बूलियन अलजेब्रा की बात की थी, बाइनरी नंबर सिस्टम की बात की थी, उसको आगे इन्होंने डेवलप किया, जिससे मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया लॉजिक का। क्लियर है? यस। क्योंकि जब हमारे पास कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला आएगा तो हम उसमें वैल्यू डाल के डिजायर्ड रिजल्ट को ऑटोमेटिकली अचीव कर सकते हैं। अगर कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है तो क्या हम क्या पर्टिकुलर रिजल्ट अचीव कर सकते हैं? भाई जितने भी आप कंप्यूटर्स में लॉजिक बनाएंगे, जितने भी कंप्यूटर में प्रोग्राम बनाएंगे, वो कहीं ना कहीं मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेड हो सकते हैं। यस सर। इसके बाद सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर डेवलप हुआ, जो सबसे ज्यादा रेवोल्यूशनरी चीज थी इन द फील्ड ऑफ एआई, क्योंकि जब कंप्यूटर आएगा तभी हम, जब इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आएगा, यानी ऐसा कंप्यूटर जिसको ह्यूमन इंटरवेंशन के बगैर चलाया जा सके, तो हम आर्टिफिशियल वर्ल्ड पे भी काम कर सकेंगे और इंटेलिजेंस वर्ल्ड पे भी काम कर पाएंगे। 1943 में बूलियन सर्किट मॉडल ऑफ ब्रेन, यानी जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है उसका बूलियन सर्किट बनाया गया, क्योंकि हम भी जो डिसीजन लेते हैं वो ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में होता है। मान लीजिए ए कंडीशन ट्रू हो और बी कंडीशन ट्रू हो, तो उस पर हमें क्या करना है, ये दिमाग हमारा उस पर एक्शन करेगा। ए कंडीशन फॉल्स हो या दोनों कंडीशन फॉल्स हो तो क्या करना है, हमारा दिमाग जब भी कोई डिसीजन लेता है वो आपका बूलियन फॉर्म में ही होता है। अगर आप ध्यान से सोचिए तो ट्रू और फॉल्स के ही फॉर्म में आएगा भाई, या तो वो चीज हो रही होगी या वो चीज नहीं हो रही होगी। इसके ऊपर एक पेपर लिखा गया, उस पेपर का नाम था द लॉजिकल कैलकुलस ऑफ आइडिया मैनेजमेंट इन नर्वस एक्टिविटी। जो हमारा न्यूरल नेटवर्क है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है भाई, कोई भी डिसीजन अगर ब्रेन लेता है तो उसको हमारे बॉडी पार्ट तक कौन पहुंचाता है, नर्वस सिस्टम ही तो पहुंचाता है। तो उस डिसीजन को नर्वस सिस्टम कैसे पहुंचाएगा, उसके ऊपर एक पूरा पूरा पेपर लिखा गया, जिसने बेस रखा एक नई टेक्नोलॉजी का, जिसको कहा जाता है न्यूरल नेटवर्क। अब जैसे हमारा दिमाग है, ये कितना जो है डेटा स्टोर कर सकता है, बता सकता है कितना डेटा स्टोर कर सकता है, कितने जीबी? सर 2 TB। इसकी कोई लिमिट नहीं है, जो डेटा स्टोर होता है, जो डेटा स्टोर होता है वो इन द फॉर्म ऑफ लाइट्स स्टोर होता है, और वो हमारे दिमाग में स्टोर रहता है, और रिकॉल करने में हमें टाइम लगता है।
जो हम ऐसा नहीं है कोई चीज हम भूल जाते हैं, पर वो बैक ऑफ द माइंड इतना रहती है कि उसको रिकॉल करने में टाइम लगता है। इसके बाद सबसे पहले एक 1951 में एक और सिस्टम डेवलप किया गया जिसका नाम था स्नार्क, और स्नार्क का फुल फॉर्म क्या था लिखा हुआ है, स्टोकेस्टिक न्यूरल एनालॉग रीइंफोर्समेंट कंप्यूटर। यहाँ वर्ड एक यूज हुआ है एनालॉग, एनालॉग और डिजिटल में क्या अंतर होता है वो बता सकता है? जो एनालॉग होता है वो कंटिन्यूअस होता है, उसमें आपका डेटा कंटिन्यूअस आपका मूव कर रहा होगा। जैसे अगर हम किसी का वेट देखें तो वो डिजिटल नहीं होता है, वो एनालॉग होता है। 32.23, 32.24, वो है 88.89, ठीक है? जरूरी नहीं उसको हम 80 88.89 को 89 मान लेते हैं, लेकिन अगर कोई डिजिटल फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म का मतलब क्या, जिसमें आपका डेसिमल की बात की वैल्यू नहीं आ रही हो, एक फिक्स वैल्यू आ रही हो, या तो जीरो हो या वन हो, जीरो या वन क्या हो गया डिजिटल हो गया, एनालॉग क्या हो गया जीरो भी हो सकता है, 0.0 भी हो सकता है, या 0.2 भी हो सकता है, 0.3 भी हो सकता है, 0.4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? और जो ये न्यूरल नेटवर्क था इसमें जो कंप्यूटर यूज किया गया था उसमें 3000 वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया गया था विद 40 न्यूरॉन्स। तो ये सबसे पहला सिस्टम डेवलप हुआ था जो 1951 में डेवलप किया था, जो न्यूरल नेटवर्क परफॉर्म करने के लिए बनाया गया था। क्लियर है बेटा इतनी बात? यस सर। अभी हम इतिहास में ही चल रहे हैं, अभी हम कोई प्रेजेंट करंट में नहीं आए। अब आपको एलन टूरिंग के बारे में मालूम था? सर अटेंडेंस कैसे लगाया? न्यू क्लास आज पहली बार ज्वाइन किया हूँ। चैट बॉक्स पे डाल, चैट आपको मालूम है इसमें होती है? जा नहीं रहा। हाँ चैट बॉक्स सर किए हैं, जा नहीं रहा। क्या नहीं जा रहा है? रोल नंबर सेंड नहीं हो रहा है सर। रोल नंबर नहीं, आप जो है टू में जाइए, टू में एवरीवन की जगह आपको मेरा नाम दिखाई पड़ रहा है। हाँ सर। आप उस पे जाके जो है टाइप कर दीजिए, नाम आ जाएगा। ठीक सर। है बेटा आवाज आपकी कट रही है, कौन बोल रहा है? ज्योतिरादो? हैं? ज्योतिरादित्य बताओ बेटा क्या कह रहे हो, तुम्हारी आवाज कट रही है बार बार। तुम्हारा नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, तुम टाइप करो जो करना है, चैट करो, चैट में भेजो। सर हाँ सर एक बार सर डिजिटल एनालॉग के बारे में फिर से बता देंगे? हाँ बता देंगे। समझ नहीं है सर अच्छे से। देखो डिजिटल का मतलब क्या होता है, अगर आपने डिजिटल थर्मामीटर भी देखे होंगे तो आपको टेम्परेचर किसमें बताते हैं, 92, 93 या डेसिमल के एक पॉइंट तक, डेसिमल के दो पॉइंट तक के, ऐसे बताते हैं ना? या आपने जब गाड़ी चलाई होगी, बाइक आपने चलाई होगी, तो स्पीडोमीटर जो है दो तरह के आते हैं। एक वो आता है एनालॉग वाला जिसमें आप देखते हो कि एक फिजिकली जो है एक सुई होती है वो आगे पीछे मूव करती है, जैसे स्पीड बढ़ेगी आगे पीछे होगा, होती है कि नहीं होती है? और एक होता है जिसमें आपका डिजिट्स आते हैं। यस सर। तो जिसमें डिजिट आते हैं वो डिजिटल होता है, उसमें आप स्पीड जो है वो या तो आप दिखाएगा 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हैं, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हैं, ऐसे ही दिखाता है ना। लेकिन जो आपकी सुई वाला होता है, जो पुराने जमाने का स्पीडोमीटर जैसे आप कहते हो, वो एकदम से 60 से 65 नहीं पहुंच जाता है,
वो 60.6 भी हो सकता है, 60.16 भी हो सकता है, यानी बीच की जो वैल्यूज है उन पर भी वो लाई कर सकता है। तो एनालॉग में अगर ग्राफ बनाओगे तो कंटिन्यूअस ग्राफ बनेगा, यानी उसमें जो भी प्लॉटिंग होगी पॉइंट्स की वो क्लोज क्लोज वाई होगी। जबकि डिजिटल में क्या होगा, या तो वो ए पे होगा या वो बी पे होगा, ए और बी के बीच में किसी पे लाई नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। अब जैसे कंप्यूटर को डिजिटल मशीन क्यों कहा जाता है, या तो ये जीरो एक्सेप्ट करता है या ये वन एक्सेप्ट करता है, या तो इसमें करंट नहीं होता या करंट होता है। अब ऐसा तो नहीं होता है कि आधा है आधा नहीं है। बात समझ में आई आपको, जो है एनालॉग और डिजिटल में क्या अंतर होता है? यस सर। जैसे जैसे हम लोगों की एज होती है, एज हम डिजिटली चलते हैं कि ये 18 साल के हैं, ये 19 साल के हैं, 20 साल के हैं, है ना। लेकिन जो हमारा वेट होता है, जो हाइट होती है, वो हमारी किस फॉर्म में होती है? एनालॉग फॉर्म में होती है। कोई भी फिजिकल चीजें अगर आप उसको मेजर करेंगे तो एनालॉग होता है। अब एलन टूरिंग के बारे में आपको मालूम है ना, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक टेस्ट डेवलप किया था जिस टेस्ट में ये चेक किया गया था कि कंप्यूटर के अंदर जो मशीन है, मतलब जो कंप्यूटर है उसके अंदर इंटेलिजेंस है कि नहीं। यानी अगर वो जो है हमारे सवाल का जवाब दे देता था तो उसको हम क्या कह देते थे, भाई उसके अंदर इंटेलिजेंस है। इसी को थ्योरेटिकली इन्होंने सबसे पहले 1950 में इसी को आर्टिकुलेट किया था। और इससे एआई का रूप क्या होगा, एआई किस तरीके से होगा, उसके बारे में एक विजन हमको दिखाई पड़ा। 1956 की कॉन्फ्रेंस के बारे में हम लोग बहुत बात कर चुके हैं। एक कॉन्फ्रेंस ने सबसे पहले टर्म लाया जिसका नाम था एआई, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके अलावा कुछ लोगों ने पहले प्रोग्राम बनाए थे फॉर प्लेइंग चेकर्स। चेकर्स और चेस अलग होता है, एक ही चीज नहीं होती। क्लियर है ना बेटा? इसके बाद 1959 में सिंबॉलिक इंटीग्रेशन प्रोग्राम, जिसको सेंट के नाम से जानते थे, वो डेवलप हुआ था। ये किस लैंग्वेज में डेवलप हुआ था? लिस्ट में डेवलप हुआ था। और ये कैलकुलस प्रॉब्लम को सॉल्व करता था। डिफरेंशियल कैलकुलस, लीनियर कैलकुलस, ये सब आपने पढ़ी होंगी 12th में। डिफरेंशियल कैलकुलस तो पढ़ी है, dy by dx जितना dy में चेंज होगा। यस सर। तो ये जो कैलकुलस है, कैलकुलस थोड़ी मुश्किल लगती थी या आसान लगती थी? इजी लगती थी ना, जो समझ में आ जाए वो आसान, जो ना समझ में आए। हाँ, ये बिल्कुल सही चीज बात है। जैसे मुझको समझ में आ जाती है तो समझ भाई थोड़ा आसान हो जाती है, जो चीज समझ में बिल्कुल नहीं आती वो बहुत ही मुश्किल हो जाती है, है ना, चाहे वो दूसरे को आसान दिखे। तो ये पीपल टू पीपल वेरी करता है, करता है कि नहीं करता है। 1963 में जो थॉमस इवांस है, इन्होंने एक एनालॉजी बनाई कि अगर कोई मशीन इंटेलिजेंस कोफिशिएंट टेस्ट को सॉल्व कर लेता है, इसको आईक्यू कहते हैं, ठीक है ना। एक होता है इमोशन कोशेंट, उसे ईक्यू कहते हैं। एक होता है इंटेलिजेंट कोशेंट, जब हम रीजनिंग करके कहते हैं कि इसके बाद कौन सा आर्किटेक्चर आएगा या इसके बाद क्या आना चाहिए। इससे सीरीज आपको नहीं दी जाती है, सीरीज के बाद अगला टर्म आप निकालने की कोशिश करते हो उसमें से कॉमन वैल्यू लेके, तो उसको कहते हैं आईक्यू के लिए उस तरह की जो प्रॉब्लम्स थी उसकी एनालॉजी लेके इन्होंने एक प्रोग्राम डेवलप किया था। एनालॉजी का मतलब क्या होता है?
उदाहरण, अगर हिंदी में देखें तो किसी का उदाहरण अगर हम लेते हैं उसको एनालॉजी कहते हैं। ऐसी मशीन जो आईक्यू टेस्ट को सक्सेसफुली सॉल्व कर सके, उनको कहा गया था कि उनके अंदर एआई एग्जिबिट करता है। क्लियर है बेटा मेरी बात? यस सर। भैया सब लोग अटेंडेंस डाल देंगे क्योंकि अभी अटेंडेंस पूरी हुई नहीं है सबकी। कल भी कुछ लोगों की छूट गई थी, तो छूट गई तो फिर एब्सेंट हो जाओगे। मेरे पास और कोई तरीका नहीं है। सर आपको मैसेज किया है, मैंने देख लिया। लो भाई तुम्हारा मैसेज देख लेते हैं। सर ये चैट्स में सर अगर कहीं मान लीजिए अटेंडेंस मतलब ना लिखे रोल नंबर तो भी अरे क्या नाम है अटेंडेंस नहीं लगेगा क्या? नहीं, अगर आपने चैट में रोल नंबर नहीं लिखा तो आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। और सर वो ऐसे सब ब्रज किशोर सर कहते हैं कि चैट्स में अटेंडेंस मत लिखा करो, ऐसे ही लग जाता है, पता नहीं क्या। वो ब्रज किशोर सर लगा देंगे, भाई हम नहीं लगा पाएंगे। पर हमने सर आपका क्लास हमेशा अटेंड किया लगता है, हमने चैट बॉक्स में कभी लिखा ही नहीं। भैया आप हमेशा एब्सेंट हो गए होंगे। हमको भी यही लग रहा है सर। फिलहाल जो ज्योतिरादित्य ने पूछा है कि क्विज कैसी होती है, अभी तक तुम्हारी कोई क्विज हुई है कि नहीं हुई है? सर वो सरप्राइज टेस्ट हुआ है, क्विज नहीं हुई है मंडे को। क्विज नहीं है ना, मंडे को है। तो मंडे को किसकी क्विज है? मेरी होगी, पहली क्विज मेरी है ना बेटा? नहीं सर, उसके पहले सॉफ्ट स्किल्स की है। तो क्विज में होगा क्या, 45 सवाल होंगे जिसमें 30 सवाल जो होंगे वो एक एक नंबर के होंगे, उसमें कोई एक ही क्वेश्चन सही होगा एमसीक्यू फॉर्म में, ठीक है। और जो बाकी 15 सवाल होते हैं उसमें कोई दो ऑप्शन सही होते हैं, और जब दोनों ऑप्शन को सही करोगे तभी तुम्हें मार्क्स मिलेंगे। सब ऑब्जेक्टिव रहेंगे ना? सब हाँ, सब ऑब्जेक्टिव, ठीक है बेटा। कितने मार्क्स के टोटल? 60 नंबर के, 60 मार्क्स के होते हैं जिनको बाद में डाउनग्रेड किया जाता है 30 मार्क्स में। गूगल क्लासरूम पे कोड आएगा ना लिंक? हाँ गूगल क्लासरूम से ही आएगा, इसलिए जितने लोग हैं वो सब जिस टीचर का हो रहा है उसका गूगल क्लासरूम जरूर ज्वाइन कर लेंगे। इसीलिए सबसे हर यूनिट का बार बार होगा तो उसी में से आएंगे ना, जो नोट्स आपने भेजे हैं। हाँ जो नोट्स भेजे हैं उसी में से आएंगे। ओके सर। और उसी को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यस सर। में सबसे पहले आपका एक जो है रिसर्च बुक आपकी पब्लिश हुई, जिसमें कहा गया था इसमें जितने भी आर्टिकल्स थे अबाउट एआई वो कलेक्टिवली जो है पब्लिश किए गए थे। तो ये भी एक स्टेप था कि जहाँ तक लोगों को पता लग जाए कि एआई में हम लोग कहाँ तक पहुँच चुके हैं। इसके अलावा बेटा ये जिसके यहाँ बात हो रही है वो अपने को म्यूट कर ले। में जे एलन रॉबिन्सन ने इन्वेंट किया था एक मैकेनिकल प्रूविंग का प्रोसीजर, जिसने बताया था कि किस तरीके से प्रोग्राम ज्यादा एफिशिएंटली वर्क कर सकता है एक फॉर्मल लॉजिक पे फॉर रिप्रेजेंटिंग अ लैंग्वेज। फॉर्मल लैंग्वेज जो होती है वो इन द फॉर्म ऑफ सिंबॉलिक होती है, सिंबल्स होती है, ठीक है। इसके बाद एक डेंड्रल प्रोग्राम डेवलप हुआ था। डेंड्रल प्रोग्राम एआई बेस्ड प्रोग्राम था जो डेमोन्स्ट्रेट करता था और इंटरप्रेट करता था स्पेक्ट्रा ऑफ केमिकल कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड का स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रा का मतलब क्या होता है, जो रेडिएशन होता है या वो प्रिज्म जो होता है उसकी स्पेक्ट्रा में कहाँ पे लाई करेंगे,
दिस वॉज अ फर्स्ट सक्सेसफुल नॉलेज बेस्ड प्रोग्राम फॉर साइंटिफिक रीजनिंग. सबसे पहला जो अगर पूछा जाए आपसे कौन सा ऐसा प्रोग्राम था जो साइंटिफिक रीजनिंग के लिए यूज किया गया था, तो उसका नाम था डेंड्रल. 1969 में SRI रोबोट और शेकी डेमोन्स्ट्रेट द कंबाइनिंग लोकोमोशन परसेप्शन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. लोकोमोशन का मतलब क्या, मूवमेंट, जहां पे मूवमेंट हो रहा था. अब तक जितने भी प्रोग्राम बने थे ये केवल एनालिसिस करते थे, मूव नहीं करते थे. जो आप रोबोटिक्स की बात करते हो वो आपकी यहीं से स्टार्ट हुई थी. रोबोटिक का मतलब क्या, रोबोस्टिक डिवाइस जो कई काम को परफॉर्म कर सकता है. रोबस्ट का मतलब क्या, ऑलराउंडर जिसे कहा जाता है. क्लियर है बेटा? यस सर. जो नॉलेज बेस्ड सिस्टम है, नॉलेज बेस्ड सिस्टम का मतलब क्या, किसी पर्टिकुलर फील्ड के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं गेन करिए, और फिर उस इंफॉर्मेशन के बेस पर आप कोई डिसीजन ले पाइए. ये इस तरह के सिस्टम जो डेवलप किए गए थे वो 1969 से 1979 के बीच में काफी ज्यादा सिस्टम डेवलप हुए थे. अगर आप देखिए तो 1974 में ही एक सिस्टम डेवलप किया गया था जिसका नाम था माइसिन. ये हम दवाई का नाम नहीं बता रहे हैं. माइसिन एक सिस्टम बनाया गया था जो किसी रूल बेस पे, मतलब कोई उसको रूल बता दीजिए, उस पर बेस करके पुरानी इंफॉर्मेशन से इन्फ्रेंस कर लेता था कि क्या हमको काम करना है. ये फिलहाल मेडिकल डायग्नोसिस और थेरेपी के लिए यूज किया था. अब जैसे मान लीजिए कहा गया किसी को सर में दर्द है या उसकी जो है रनिंग नोज है, यानी नाक बह रही है, तो ये प्रिजम्पशन मान लिया जाता है कि भाई इनको जो है जुखाम हो. तो ये मान लीजिए अगर पिछले 20 लोगों को यही सिम्टम्स होने पे यही डायग्नोसिस किया गया है, तो ये मशीन क्या करती, ये सिम्टम्स देखती, अपने नॉलेज बेस से कंपेयर करती और डायग्नोसिस करके बता देती कि आपको कौन सी प्रॉब्लम हुई. क्लियर है मेरी बात? क्लियर है बेटा मेरी बात? यस सर. यस सर. इसके बाद एक नई लैंग्वेज भी बनी जिसका नाम था प्रोलॉग. प्रोलॉग और लिस्ट, इन दोनों का यूज होने लगा एआई प्रोग्रामिंग के लिए. तो फिलहाल इतना करते हैं, ठीक है? 25 तारीख को आपकी एक एक्स्ट्रा क्लास शेड्यूल करूंगा, ठीक है? आप अपना टाइम मुझे बता दीजिए, किस टाइम करना? 10 बजे तक. सर 25 को छुट्टी रहेगी? हाँ 25 को छुट्टी रहेगी, लेकिन हम लोग इसीलिए इसका नाम रखा है एक्स्ट्रा क्लास, नहीं तो नॉर्मल कहता है कि क्लास चलेगी. सर सुबह रख लीजिए 10-11 बजे तक. आप लोग जब तक, जब आप उठ जाइए, ये ना हो कि सर दीपेश, दीपेश 11 बजे रख ले, कोई दिक्कत? ये सर 11 बजे सर ठीक रहेगा सर. हाँ जिससे दीपेश यह कि मुझे वॉशरूम जाना है. नहीं सर, नहीं सर. ठीक है बेटा, तो 11 बजे तक कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर. तो फिर 11 बजे से हम शेड्यूल करते हैं, ठीक है? यस सर. सर किस सर? हाँ बताइए. क्या बोल रहे थे? अरे मैं ये बोल रहा हूँ 25 तारीख को 11 बजे से एक्स्ट्रा क्लास है, अभी मैं ग्रुप में भी डाल दे रहा हूँ, ठीक है? थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू सर.